ना उनको परेशान ना होना पड़े, उनको लगे कि ये जो काम हम करना चाहते हैं उसमें बैंक भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, बैंकों के कार्मिक भी सहयोग कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमको सबको बैंकों को विशेषकर से इसमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। और नाबार्ड की ऋण योजना के आवंटन के प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक लक्ष्य लेकर, एक टारगेट लेकर इस पर काम करना होगा। भाइयों बहनों, ग्रामीण और पिछले इलाकों का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारा रिवर्स प्लान है इसको रोकने के लिए भी जहाँ सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो बैंकों को भी इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। उसके पीछे हेतु है कि जो समाज में बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सबको भी आगे लाया जाए, उनके जीवन को भी परिवर्तन किया जाए, उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम हम सबके माध्यम से हो। और हम दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं। ये आपकी जो योजनाएं हैं आप स्वयं देख रहे हैं, तो योजनाओं में जिस प्रकार की योजनाओं को लगातार संदिग्ध किया जा रहा है, हमारे सभी सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे अधिकारी हैं, हमारे सरकार के जितने भी लोग हैं वो सभी इस काम में लगे हैं, शासन के लोग। और दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है और हम और हमारी पूरी सरकार गंभीरता के साथ इसके लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे शहरी इलाकों का विकास हो रहा है उसी तरीके से जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां भी एकीकृत रूप से समान रूप से विकास पहुंचे। मैं आप सभी बैंकिंग सेक्टर के लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अभी जब आप पढ़ रहे थे तो आप यहाँ से बात कर रहे थे, तो अभी भी जो हमारे 9 जनपद हैं उन 9 जनपदों का अभी उतना योगदान अभी नहीं आ पा रहा है इसमें जितना आना चाहिए। और विशेषकर से हमारे 3 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी जो ऋण की कमी वाले जिले हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन जिलों को ऋण आवंटन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और समान रूप से इनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी योजना बने। इसके साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 71,000 किसान जो है क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है उस सुविधा से अभी छूटे हुए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए भी हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। और किसान क्रेडिट की बात मैंने इसलिए करी कि हर बार जब भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव होता है उस कॉन्क्लेव में ये उनकी फ्लैगशिप स्कीमों में आता है, तो इस पर विशेष रूप से उनका सरकार भारत सरकार का भी फोकस है, तो इस ओर हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, बैंकों के अलावा हमारी सरकार आम लोगों के लिए जो सब्सिडी है, क्रेडिट लिंक योजनाएं हैं, ब्याज अनुदान जैसी अनेक योजनाओं को लागू कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है, ऐसी अनेकों योजनाएं, चाहे वो आज कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, अनेक योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। मेरा बैंकों से ये निवेदन रहेगा कि राज्य में ऋण का जो प्रभाव है वो बढ़ाने के लिए उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मेरा बैंकों से एक और महत्वपूर्ण आग्रह है कि आप राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष कंपेन चलाएं, जिससे ऋण का लाभ किसानों तक सही समय पर पहुंच सके। यहाँ पर एक बात और अहम है कि हमारे राज्य की जो जलवायु है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इसमें बागवानी है, एरोमेटिक है, प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, डेयरी, फिशरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन, जैविक कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल यहाँ का जो वातावरण है वो है।
और इन क्षेत्रों में भी ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए विशेष कैंपेन आप चला सकते हैं, क्योंकि मेरा ये सुझाव है कि इसमें जो बातें मैं लोगों के बीच में गया हूँ उनके बीच में से जो बातें आई हैं, मुझे लगा कि आप उसको जरूर इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हमारी सरकार को आपका सहयोग अवश्य मिलेगा। आप जो भी योजनाएं चलाएंगे, आप जिस दिशा में भी आप ध्यान करेंगे, वहाँ हम लोग आपके सहयोग में खड़े हैं। और आप सबको पता ही है कि प्रदेश में जो आजकल विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, और मैं भी लगातार उनके जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से लगातार बात कर रहा हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना और सरकार की योजनाओं को उन कमजोर लोगों तक पहुँचाना है जो इन योजनाओं के पात्र तो हैं लेकिन जानकारी के अभाव में उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने अभी तक लाभ नहीं उठाया है। मैं सभी हितधारक धारकों से, विभागों और बैंकों से अपील करता हूँ कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जो भी अभी 26 जनवरी तक यात्रा चलनी है अपना योगदान दें, क्योंकि मैंने भी तय किया है प्रत्येक जनपद में हर एक दिन जो उनकी यात्रा होती है तो 10 से 15 लाभार्थियों से स्वयं में बात भी करता हूँ। आप सब लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि इनमें अपना जो भी योगदान हो सकता है योगदान दें, लोगों को जागरूक बनाए तथा सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अवश्य अदा करें। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य दिया है, और ये लक्ष्य हमारा संकल्प है और हमारी सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है, और जिसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। राज्य में अधिक से अधिक प्रभाव से हम विकास की जो असमानता व पलायन जैसी चुनौतियां हैं उनका भी सफलतापूर्वक सामना करने में अवश्य सफल होंगे। आप सबको बात है, आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के क्षेत्र में भी एक विशेष डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ से पूरे देशवासियों से एक अपील की थी, क्योंकि एक क्रीम यहाँ बैठी हुई है और इस क्रीम से मैं फिर उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने क्या अपील की थी। प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि जो आज बहुत सारे देश के लोग दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में जाकर अपने बच्चों की विवाह इत्यादि के कार्यक्रम कर रहे हैं, मंगल कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जो डेस्टिनेशन है इसके लिए भगवान के जो सबसे नज़दीक है वो देवभूमि उत्तराखंड है, और उन्होंने अपील करी। और मैं सच बताऊँ आपको कि कल मैं एक किसी कार्यक्रम में गया था तो वहाँ मुझे एक बहुत बड़े जो हजारों लोगों को होटलों में रोज सुविधाएं देते हैं, कई हजार लोगों को, और बड़ा अपना खुद का डेस्टिनेशन है, मुझे बोले कि मैं अपने बेटे की शादी अगले महीने आपके यहाँ करने आ रहा हूँ, आपको निमंत्रण देने आ रहा हूँ। ऐसे मुझे कई लोग मिले, तो लोगों को एकदम से बहुत बड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मेरे पास आए कि कार्ड देने के लिए, अपना निमंत्रण देने के लिए, बोले कि उसके तुरंत बाद आए तो बोले कि अब मैं आपको नहीं कह सकता कि आप आइए, लेकिन हमने पहले अपने बच्चों की शादी जो है पहले बुकिंग करवा ली थी किसी अन्य जगह पर देश से बाहर, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं यहाँ पर, इनको ही पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक कार्यक्रम हम उत्तराखंड में करेंगे, अगला कार्यक्रम मतलब अब विवाह का कार्यक्रम तो हमने बाहर रख लिया था पहले ही, क्योंकि पहले से निर्धारित था 6 महीने 7 महीने 8 महीने से, लेकिन अगला कार्यक्रम हम उत्तराखंड में करेंगे। तो इस तरीके से आज एक बड़ा डेस्टिनेशन इस क्षेत्र में भी हमारा बन रहा है, तो इस क्षेत्र में भी आप सबकी जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपकी सहभागिता इसमें हो सकती है, इसको बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को लाने में, लोगों को प्रोत्साहित करने में, इस दिशा में भी आप सब योगदान देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ निवेश करने वाले और निवेशकों के साथ मिलकर कुछ विशेष योजनाओं पर काम करें, जिससे कि उत्तराखंड का समुचित रूप से जो विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है
कि आप लोग इसी प्रकार हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य करते रहें। आप सभी को इस सेमिनार के सफल आयोजन के लिए मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा होता कि ऐसे कार्यक्रम में हम लोग पूरे दिन भर बैठते और मंथन करते, क्यों आनंद, तो आप लोगों के बीच में जो है कुछ सीखने का भी अवसर मिलता, योजनाओं की बारीकी से जानकारी भी होती, और जहाँ जो हम लोग दिन भर हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, गणेश ज्योति जी भी करते हैं, धन सिंह जी भी करते हैं, हमारे सामने बैठे हुए लोग भी, आप लोगों में से सब लोग जो बहुत बार लोगों के बीच में जाने से कई सारे फीडबैक जो हमको मिलते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण फीडबैक होते हैं और बड़े व्यवहारिक होते हैं। वो फीडबैक आप सबके पास होंगे, अगर मैं भी होता तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि पहले से कुछ कार्यक्रम निर्धारित थे और आपका एक कार्यक्रम होना भी जरूरी था, आपने कहा था कि आप आएंगे तभी होगा ये शुरू यहाँ से, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं कि ये जिस उद्देश्य के लिए सेमिनार किया जा रहा है वो सफल होगा। और जो हमारा संकल्प है कि हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है वो कथन हमारा सत्य होगा।